का वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हम गॉड सिटी 2 के अंदर काफी अच्छा ऑप्शन लेकर गए हैं। जैसे फ्रंट में देख रहे हैं पूरी मार्केट ऑपरेशनल है, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड ये सोसाइटी की मार्केट आ जाती है। आज हम इस सोसाइटी के अंदर आपको 4 BHK दिखाने वाले हैं जिसका साइज है 1755 स्क्वायर फीट का। ये मेन गेट आ जाता है, एंट्री गेट आपका ये रहेगा। गौर सिटी 2 पूरा भरा हुआ एरिया आ जाता है, गौर सिटी 1, गौर सिटी 2। अगर नियर बाय लैंडमार्क की बात करें तो चार मूर्ति जिसे किसान चौक बोलते हैं वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में पास में आ जाता है। सोसाइटी के अंदर एंटर करते ही आपको मंदिर देखने को मिलेगा एंड आप पूरा ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। अगर हम टोटल लैंड की बात करें तो 6.5 एकड़ के अंदर ये बनी हुई सोसाइटी है, जिसके अंदर अगर टावर की बात करें तो 7 टावर आ जाते हैं। एक टावर की हाइट की बात करते हैं तो 26 फ्लोर की हाइट आ जाती है। इसके अंदर आपको किड्स एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम सारी चीज़ ऑपरेशनल देखने को मिलेगी। बैडमिंटन, बास्केट कोर्ट सारी चीज़ आपको ऑपरेशनल देखने को मिलेगी। प्लस पॉइंट ये आ जाता है इसके अंदर पूरी रेडी टू मूव सोसाइटी है, रजिस्ट्रियाँ ओपन है, SBI से लेकर के किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो ये खासियत इसके अंदर आ जाते हैं क्योंकि पूरी रेडी टू मूव है। आज के डेट में रजिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पंगा चल रहा है तो इसके अंदर ऐसी चीज़ आ जाती है रजिस्ट्री ओपन वाली। और साइज की बात करें 4 BHK 3 टॉयलेट के साथ हमारा साइज आ जाता है 1755 स्क्वायर फीट का। अगर इसके प्राइजिंग की बात करें काफ़ी कम बजट के अंदर एक काफ़ी अच्छा साइज और काफ़ी अच्छा लेआउट एंड रोड फेसिंग आपको यूनिट मिल जाती है। ये यूनिट हमारे पास इन्वेस्टर यूनिट आ रखी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी यूनिट आ जाते हैं, वो मैं अभी इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आप सोसाइटी देख रहे हैं पूरा पार्क एरिया जैसा आप देख रहे हैं, एकदम ओपन सोसाइटी रहेगी। आप अगर सोसाइटी में आते हैं तो एकदम खुलापन देखने को मिलेगा, टावर से टावर लगा हुआ नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा टावर के बीच में आपको। तो इस टाइप की ये सोसाइटी बनी हुई है। जैसा आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं पूरा ऑपरेशनल आ जाता है, क्लब हाउस ऑपरेशनल है, मार्केट रनिंग में चल रही है, तो सारी कनेक्टिविटी जो भी है वो सारी आपको देखने को मिल जाती है। ये हमारा सैंपल फ्लैट आ जाता है, एक्चुअल यूनिट अवेलेबल है ये वाली 1755 स्क्वायर फीट 4 BHK का ये साइज आता है। एंटर करते ही आपको ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा, सामने अटैच बालकनी रहेगी ड्राइंग रूम के साथ, ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस अलग अलग बनाया हुआ है, अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। लेआउट काफ़ी शानदार आ जाता है, बिल्कुल यूनिक लेआउट बनाया हुआ है इसका। ये अपोजिट में सोसाइटी की बात करें तो महागुर माइवोर्ड सोसाइटी आ जाती है, बीच में आपका रोड आ जाता है, रोड फेसिंग यूनिट आ जाती है, तो काफ़ी प्यारी यूनिट आ जाती है। फ्लोर की बात करें मिड फ्लोर पे आपको ये वाली यूनिट मिल जाती है, ये पूरा आपका ड्राइंग स्पेस रहेगा। एंड ये वाला आप इसमें देख रहे हैं ये आपका वॉशरूम का आ जाता है। ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो आपका 17.5x10 का ये आपका ड्राइंग रूम आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने आपके ये बेडरूम आ जाते हैं एंड किचन। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ये पूरा आपका ड्राइंग रूम हो गया जैसा आप देख रहे हैं। लेआउट बिल्कुल यूनिक बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लेआउट बनाया हुआ है इन्होंने। डाइनिंग का स्पेस इधर क्या हुआ है तो ड्राइंग एंड डाइनिंग डिवाइड कर दिए, बिल्कुल अलग अलग आ जाते हैं। यह आपका किचन आ जाता है, किचन के अगर साइज की बात करें काफ़ी अच्छा किचन बनाया हुआ है, 10x8.5 का आपका किचन देखने को मिलेगा। अटैच आपकी बालकनी रहेगी, 2 साइड आपकी स्लेप आ जाती है इसके अंदर एंड अटैच आपकी बालकनी, रोड फेसिंग बालकनी रहेगी, एकदम प्रॉपर सनलाइट आती है, ईस्ट फेसिंग का आपका ये फ्लैट आ जाता है। तो काफ़ी प्लस पॉइंट आ जाते हैं इस फ्लैट के अंदर। सबसे बढ़िया बात तो ये आ जाती है 1755 स्क्वायर फीट का साइज है, और प्राइस की बात करें तो ये मान के चलिए 85 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है इसकी ऑल इंक्लूसिव। तो काफ़ी कम रेटों में आपको काफ़ी बड़ा साइज देखने को मिल जाता है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट बेडरूम के अगर हम साइज की बात करते हैं तो आपका 13x11 का साइज रहेगा फर्स्ट बेडरूम का। अटैच आपका वॉशरूम रहेगा, तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है इसके अंदर, और भी साइजेस निकल जाते हैं अपने पास, बट अभी ये 4 BHK के अंदर यूनिट आई है, बिल्कुल रिसेंट में मेरे पास यूनिट आई है, इन्वेस्टर यूनिट है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। यह आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है, बिल्कुल जस्ट बगल में आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है। इसके साथ आपको अटैच बालकनी मिल जाएगी, बट इसमें वॉशरूम देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसके साइज की बात करते हैं 11x11 का आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है, अटैच बालकनी, ये वाली बालकनी आपकी किचन के साथ भी अटैच रहेगी एंड आपकी सेकंड बेडरूम के साथ।
रोड फेसिंग आपकी यूनिट आ जाती है। इस टाइम प्रॉपर धूप आ रही है इसके अंदर, तो धूप वाली यूनिट आपको देखने को मिल जाती है। एक्चुअल यूनिट ये वाली अवेलेबल है, ये वाली यूनिट अवेलेबल मिल जाएगी, मिड फ्लोर पे अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी फेसिंग है, रोड फेसिंग में आपकी यूनिट आ जाती है। अब हमारे दो बेडरूम सामने आ जाते हैं, मास्टर बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है, काफ़ी बड़ा बेडरूम बनाया हुआ है। अगर मास्टर बेडरूम के साइज़ की बात करते हैं तो 15x11 का ये मास्टर बेडरूम का साइज आता है। अटैच आपकी बालकनी, अटैच आपका वॉशरूम। तो मास्टर बेडरूम कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एंड ये वॉशरूम आ जाता है, ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। तो कुछ इस टाइप का आपका वॉशरूम रहेगा मास्टर बेडरूम के साथ अटैच। काफ़ी अच्छा लेआउट बनाया हुआ है, यूनिक लेआउट बनाया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी इसमें देखने के लिए। अगर बालकनी की बात कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बालकनी आ जाती है, पूरी रनिंग में बालकनी देखने को मिल जाएगी। या बालकनी काफ़ी बड़ी बालकनी दी हुई है, अगर बालकनी देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बालकनी आपको देखने को मिलेगी। ये आपका मेन रोड आ जाता है, अपोजिट में महागुण की सोसाइटी आ जाती है, महागुण माई बोर्ड्स। तो कुछ इस टाइप का आपका व्यू रहता है सोसाइटी का एंड आपके फ्लैट का। मास्टर बेडरूम एंड आपका थर्ड बेडरूम दोनों अटैच रहेंगे। तो ये आपका मास्टर बेडरूम था। अब हम चलते हैं लास्ट बेडरूम यानी कि थर्ड बेडरूम के साथ। फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड देख लिया, मास्टर बेडरूम देख लिया, ये आपका थर्ड बेडरूम आ जाएगा, या इसको फोर्थ बेडरूम भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपका लास्ट बेडरूम आ जाएगा, फोर्थ बेडरूम बोल सकते हैं इसे आप। अगर इसके साइज की बात करें तो 13x11 का इसका साइज आएगा बेडरूम का। अटैच आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा, अटैच आपको बालकनी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा लेआउट बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया, पूरी रेडेड मूव आपकी सोसाइटी आ जाती है। OCCC आ रखा है, SBIC लेकर के किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये वाली यूनिट अवेलेबल है गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 के अंदर। अदरवाइज इसके अलावा और भी कुछ कैरी हो तो स्क्रीन पे नंबर शो रखा है, कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम न्यू वीडियो लेकर के आते रहें।